यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने के वादे के साथ सत्ता में आई बीजेपी के नेता अब खुद ही बेलगाम हो गए हैं। 325 सीटों पर जीत का खुमार बीजेपी नेताओं के सर इस कदर चढ़ गया कि वो अपने रुतबे का रौब दिखा रहे हैं। चुनावी मौसम में जनता का साथ मांगने वाले विधायक जीत मिलने के बाद ही पुलिस को ही धमकाने लगे। ताजा मामले में हरदोई से बीजेपी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू पर एक सीओ ने ऑडियो जारी करते हुए धमकाने का आरोप लगाया है। पूरा मामला खमरिया गांव में एक दलित की पत्नी और मां से बदसलूकी और मारपीट का है। विधायक के मुताबिक ये काम समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया है और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्हें थोड़ा सख्त लहजे से बात करनी पड़ी। विधायक और पुलिस अफसर की बातचीत का कथित ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरह विधायक साहब ने अपने रुतबे का रौब दिखाते हुए एक पुलिस अफसर को धमकाया। हेलो हेलो, हाँ रानू बोल रहा हूँ। तो हाँ विधायक जी नमस्कार। नमस्कार, ये रखना खगड़िया गांव का। हाँ, वो कोई हरिजन लड़का था, उसको कुछ ज्यादा लोगों ने मारा पीटा और उसने 100 नंबर पे फोन करा होगा। तो 100 नंबर वाले इसको ही पकड़ लेगा जिसको मारा गया। 100 नंबर असल में हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो लखनऊ से कंट्रोल होती है, तो जो भी लड़ाई झगड़ा होता है वो सीधे वो उठा ले जाती है, फिर थाने में जाके उनका जो भी कार्रवाई होनी होती है वो होती है। तो आप क्या क्या उद्देश्य क्यों यहाँ बैठे हैं फिर? 100 नंबर हमारा नहीं है भाई, हम बता रहे हैं। मानसिकता बदलिए मिस्टर साहब, आप मानसिकता पूरी बदली हुई है। आपको ये पता नहीं है भाजपा की सरकार हो चुकी है, दिमाग सही चलिए। किसी की भी सरकार हो, जो सही होगा वही होगा, हम सरकार से नहीं चल सकते। बंद कराओगे पीड़ित पकड़वा? बंद कराओगे पीड़ित? नहीं, जो भी लिखाऊंगा तुम्हारे खिलाफ एससी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अपना दिमाग सही रखिए विधायक जी। तुम्हारा भी ये पता नहीं लगा सरकार बदल गई है? हमें सब पता है सरकार बदल गई है, लेकिन कोई गलत थोड़ा करवा सकता है। पीड़ितों को बंद कराओगे? जो भी गलत करेगा बंद होगा विधायक जी, ठीक है? मानसिकता बदल लीजिए, होश में आ जाइए। हमारी मानसिकता एकदम सही है। तुमने जो गतिविधियाँ की है, ये सपा सरकार जीता, तुमने लूटा है, तुम दलाली करा रहे हो, शराब तुम करा रहे हो, सट्टेबाजी करा रहे हो, ये आप लोग करवाते हैं, हमसे नहीं मतलब है, ठीक है? मैं पकड़वाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगा। ठीक है, होश ठिकाने नहीं है आपके, होश ठिकाने हैं। ये सारी चीजें एक ही जान लीजिए, जो आप कह रहे हैं मेरे अंदर में, तुम्हारा सर्किल का क्या मतलब है? पीड़ित पकड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ तुम कह रहे मेरे अंदर में नहीं है? पहले आप अपनी जानकारी बढ़ाइए विधायक जी। आपको अगर जानकारी नहीं है तो डायल 100 लखनऊ से कंट्रोल होता है, उसे आप तुरंत पूछिए कॉल करके और मुझे बताइए, जवाब दीजिए। नहीं, हम उसको 100 नंबर हमारे से मतलब ही नहीं है, जिले से मतलब उसको कोई मतलब नहीं है। मतलब पीड़ित पकड़ा गया है, थाने जाइए, मुकदमा लिखवाइए, मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा इसके बाद। नहीं, वो आप दिखा दीजिएगा जो भी कुछ होगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? सीमेंट तोड़ दी तुमने मेरी आदत की। आप जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, एक विधायक को कतई शोभा नहीं देता है, और सारी चीजें मोबाइल में भी टेप होती हैं, एक चीज जान लीजिए। आपके सर्किल में कैसे काम होगा भाई? आप हमें बताएंगे, जो सही होगा वो होगा, चाहे आप हो या कोई भी हो, ठीक है? क्या सही है या गलत है? जो आप देखिए, आप विवेचनाधिकारी नहीं है, ठीक है? जो विवेचनाधिकारी होगा वो देखेगा सारी चीजें, क्या सही है क्या गलत है। चलो ठीक, मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमे लिखाता हूँ, ठीक? तुमने जितना लूटा है ना सारा, तो मैं यही वसूल कराता हूँ तुमको। अभी मेरे नेचर, मेरी हसीयत का नहीं पता, मैं किस स्तर का आदमी हूँ। ठीक है, जो आपको करना होगा वो कर लीजिएगा, लेकिन जो सही होगा वो। अपनी दबंगई का ऑडियो वायरल होने के बाद अब नेताजी आधी हकीकत और आधे फसाने का राग अलाप रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जीत की खुशी में बीजेपी विधायक कायदे कानून भूल रहे हैं? हालांकि टीवी लाइव इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। देखते रहिए टीवी लाइव।